प्रतीक दुबे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आइए आज बनाते हैं अरवी की सब्जी, जो खाने में बहुत मजेदार है और बनाना बहुत इजी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे अरवी की सब्जी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है ये अरवी, आधा किलो अरवी है, जिसको मैंने बॉइल करके अच्छे से कट कर लिया है पील करने के बाद। यहाँ पे ले लिया है मैंने 2 छोटे चम्मच ऑयल, ऑयल बहुत कम लिया है मैंने। उसके बाद क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैं डाल दूंगी आधी छोटी चम्मच के करीब ये अजवाइन है, ये आप देख सकते हैं अजवाइन डाल देंगे इसके अंदर। तड़के में राई जीरा की जगह अजवाइन पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अजवाइन डालने के बाद ये देखिए अच्छे से जब क्रैकल्स हो जाए ना अजवाइन, उसके बाद यहाँ पे डाल देना है हमने ये प्याज। प्याज को ना अच्छे से भूनना है बिल्कुल, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए ना तब तक हमने भूनना है, मतलब गोल्डन करना है इसको हमने, तो इसलिए अच्छे से इसको भूनना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल यहाँ पे स्लो और इसको अच्छे से पहले आप भून लीजिए। यहाँ पे अच्छे से गोल्डन हो रहा है, तब हम क्या करेंगे ना यहाँ पे स्पाइसेस में डाल दूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आधी छोटी चम्मच की हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर दें इसको अच्छे से। अब यहाँ पे मसाले में मैं सबसे पहले डालूंगी यहाँ पे ये जलजीरा का पैकेट, ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये डाल देंगे एक पैकेट, मतलब जिस हिसाब से अरवी की क्वांटिटी है ना उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप आमचूर का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास आमचूर नहीं था तो यहाँ पे ना अरवी को मतलब तो खट्टा बनाने के लिए और थोड़ा सा काला नमक का भी टेस्ट होना तो बहुत अच्छा लगता है, तो अलग अलग डालने से बेटर है। अगर आप आमचूर डालेंगे ना थोड़ा सा काला नमक भी आपको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपली डाल दिया जलजीरा, जिसके अंदर डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा और फ्लेवर तो बहुत अमेजिंग आते हैं। तो इसके अंदर ऑलरेडी नमक है तो यहाँ पे नमक मैं हिसाब से डालूंगी, तो मैं डाल दे रही हूँ आधी छोटी चम्मच ही नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिएगा। मिक्स कर दें इसको अच्छे से। फिर हम डाल देंगे ये अरवी अपनी। इसकी ना सब्ज़ी गाइस बहुत अच्छी बनती है, अगर आप प्रॉपर वे में बनाएं ना तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही यम लगती है खाने में, आप दाल राइस पराठे के साथ। और इस सीज़न में ना बारिश के सीज़न में अभी बहुत अच्छे से मिलती है मार्केट में, तो आप बनाइए खाइए और इन्जॉय लीजिए, बहुत यम बनती है। और इस तरीके से बनाएंगे ना तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी ये गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल मीडियम हाई, ताकि अच्छे से कुक हो जाए। कुक तो मतलब ऑलरेडी हो ही गया है, बॉईल किया है हमने इसलिए, पर फ्लेवर सारे एक दूसरे पे मिसमैच होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसको 5 मिनट ऐसे ही हम छोड़ देंगे, खुला छोड़िएगा, इसको ढकना नहीं है। तो बस इस तरीके से 5 मिनट हम कुक कर लेंगे इसको। यहाँ पे ये अच्छे से कुक हो चुका है, गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद, कुक इन द सेंस ये मिसमैच हो गए हैं सारे फ्लेवर, तो अब चलिए इसको सर्विंग बोर्ड में सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है मैंने ये टेस्टी वाली अरवी की सब्जी, तो है ना बनाना बहुत आसान और खाने में तो बहुत यम है गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।